मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। हाय गाइस, आई एम प्रियंका। लखनऊ मेरा होम टाउन है, तो आज मैं आपको लखनऊ के कुछ ऐसे जायके दिखाऊंगी जिन्हें खाते ही मेरे चेहरे पे भी आ जाती है मुस्कान। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। लखनऊ स्ट्रीट फूड के जायकों की शुरुआत मैं करूंगी शर्मा जी की कुल्हड़ वाली चाय और मेरे ऑल टाइम फेवरेट बन मस्के के साथ। तो गाइस, ये आ गई मेरी कुल्हड़ वाली चाय और बन मस्का। आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। तो चलिए पहले ट्राई करूंगी मैं बन मस्का। ओके, बहुत ही गजब का है बन मस्का। ये बन इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए, इसके अंदर लगाया जाता है होममेड बटर, ये इसकी बेस्ट क्वालिटी है। एंड अब ट्राई करते हैं ये कुल्हड़ वाली चाय। ये चाय बहुत ही डिफरेंट है, इसमें ना तो इलायची है और ना ही अदरक है, इसके अंदर प्योर टी का स्वाद है। शर्मा जी की चाय के ठीक सामने ये है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे। एंड ट्रस्ट मी, ये छोले भटूरे आपको दिल्ली स्ट्रीट फूड की याद दिला देंगे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे बनाए जा रहे हैं भटूरे और ये गए सीधे कढ़ाई के अंदर। वाह। सो गाइस, ये आ गए मेरे छोले भटूरे और ये देखे इसके साथ आपको दिया जाता है प्याज, अचार, छोले और मिंट की चटनी। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं ये हॉट हॉट छोले भटूरे। बहुत ही गर्म है। ऑल राइट। बहुत ही सॉफ्ट हैं भटूरे और ये बहुत ही मुलायम है और बाहर से थोड़े से क्रिस्पी हैं। चलिए अब थोड़े से छोले भी ट्राई कर लेते हैं। भाई, इनके छोलों में गरम मसालों का बेहतरीन स्वाद है, उसके साथ ही साथ अदरक का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। भाई, दिल्ली के छोले भटूरे दिखाए हैं तो मुंबई की पाव भाजी कैसे भूल सकते हैं। तो चले खाते हैं मुंबई स्टाइल पाव भाजी, वो भी लखनऊ में। सो ये देखिए गाइस, मेरी पाव भाजी बनना स्टार्ट हो गई है और इसमें डाले जा रहे हैं इनके कुछ स्पेशल मसाले और टमाटो प्यूरी। हाँ भाई, इसे देख के तो मुझे जुहू चौपाटी की याद आ गई। और ये देख रहे हैं, इतने सारे बटर के अंदर इन पाव को सेका जा रहा है। सो गाइस, ये आ गई मेरी पाव भाजी एंड जस्ट लुक एट इट, कितना सारा बटर डाला हुआ है इसके ऊपर। ओ माय गॉड। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। पहले डालती हूँ इस भाजी के ऊपर थोड़ा सा नींबू। ओ चलिए आप खाते हैं। ओके, वाओ, बहुत ही गजब की है पाव भाजी, बहुत ही गार्लिकी और चटपटी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। सो अब मैं आ गई हूँ जैन चाट भंडार, जो कि नोवेल्टी थिएटर के पास लोकेटेड है और यहाँ की मुझे आलू की टिकिया बेहद पसंद है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए गाइस, मेरी आलू टिकिया बनना स्टार्ट हो गई है और ये देख रहे हैं क्या बढ़िया देसी घी के अंदर बनाई जा रही है। वाह, ये तो देखने में एकदम कुरकुरी लग रही है। सो गाइस, ये आ गई मेरी आलू की टिकिया और इसके ऊपर डाला गया है दही और मीठी चटनी और पड़े हुए हैं ढेर सारे मसाले। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। ओके, हाँ।
भाई ये टिकिया तो बहुत ही कुरकुरी है, इसको बनाया गया है घी के अंदर। प्लस इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना वो है इसकी ये मीठी चटनी, जो भाई मुझे तो बेहद पसंद है। सो गाइस चलते चलते देखे मुझे यहाँ क्या देखने को मिला, ये देखे यहाँ पे मिल रही है भेलपूरी। तो भैया मुझे एक भेलपूरी लगा दीजिएगा। तो ये आ गई मेरी बेल पूरी और ये देख रहे हैं कितनी कलरफुल सी लग रही है। ओ तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। ऑलराइट भाई ये भेलपूरी तो मुंबई की भेलपूरी से एकदम अलग है, क्योंकि इसमें डले हुए हैं चने मटर और बेसन के सेव, काफी यूनिक है ये। भाई इतना सब कुछ खा लिया है तो अब इसको डाइजेस्ट करना भी तो ज़रूरी है। तो चले पीते हैं शिकंजी वाले जी की फेमस सोडा शिकंजी। सो गाइस आ गई मेरी मसालेदार सोडा शिकंजी, तो चलिए अभी ट्राई करते हैं। भाई ये फिज वाली शिकंजी तो बहुत ही रिफ्रेशिंग है। वैसे आपको क्या पसंद है, शिकंजी पानी में या सोडा में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट्स डिजर्ट टाइम, भाई लखनऊ आए हैं इमरती ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए ट्राई करते हैं मोती महल की इमरती रबड़ी। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म इमरतियाँ बनाई जा रही हैं। और अब ये गई सीधे चाशनी के अंदर। सो गाइस ये आ गई मेरी इमरती रबड़ी एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी बढ़िया दिख रही है ना। वो आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। ऑलराइट भाई ये इमरती तो बहुत ही बढ़िया है, इसको देसी घी के अंदर बनाया गया है। और वैसे भी गर्मा गर्म इमरती और ठंडी ठंडी रबड़ी का कॉम्बिनेशन तो एकदम माइंड ब्लोइंग होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया मेरा फेवरेट लखनऊ स्ट्रीट फूड कवर करके। आई होप यू गाइस मस्ट हैव लाइक माय वीडियोस, सो डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।